अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें कुछ पार्ट्स दी गई है और फिगर दी गई है। इस फिगर की मदद से हम इन पार्ट्स का आंसर देंगे। पहले में हमें कहते हैं इज एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2, क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है कि नहीं। यस, कैसे? जो हमारा एंगल 1 और एंगल 2 इनकी जो बीच वाली आर्म है वो कॉमन है। कॉमन होने की वजह से हम कह सकते हैं हाँ ये इसका एडजेसेंट है। कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स, जिन भी एंगल्स में होंगे तो हम उनको कह सकते हैं हाँ ये एडजेसेंट है। दूसरा हमें एंगल एओसी और ये कहते हैं क्या एंगल एओसी एडजेसेंट है एंगल एओई का। जो हमारा एंगल एओसी है और एंगल एओई है, ठीक है, नो ये नहीं हो सकता क्योंकि इनकी कॉमन आर्म नहीं है। तीसरा डू एंगल सीओई, जो हमारा एंगल सीओई है, दैट मींस ये एंगल सीओई एंड ईओडी, हमारा जो ईओडी है यानी कि ये पूरा एंगल ईओडी, एंगल सीओई फ्रॉम अलाइनर पेयर, ये एंगल और COE, ये एंगल हमें कहा जाता है। आप बताइए क्या ये लीनियर पेयर है कि नहीं। तो अगर हम देखेंगे यस ये लीनियर पेयर है, क्योंकि लीनियर पेयर इसलिए ये है, ये जो हमारी लाइन है सी और डी पूरी लाइन एक साइड पूरा एक साइड इसमें लाती है, तो हम कह सकते हैं यस इसका लीनियर पेयर है। चौथा आर बी ओ डी एंड DOA, जो हमारा BOD दैट मींस ये एंगल और DOA है हमारा DOA यानी कि ये एंगल, यानी कि ये दोनों एंगल्स इतना पूरा, क्या ये सप्लीमेंट्री है? यस ये सप्लीमेंट्री है, क्योंकि हमारी जो AB लाइन है इसके यहां से पूरे एंगल्स आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं सप्लीमेंट्री। यस ये सप्लीमेंट्री, क्योंकि जो हमारा सप्लीमेंट्री है वो 180 डिग्री और जो हमारा लीनियर पेयर वो भी 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि इसका आधा साइड 180 इसके आधा साइड भी 180 के बराबर था, दैट्स व्हाई ये दो। यस, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है इज एंगल 1, जो हमारा एंगल 1 है वर्टिकली अपोजिट एंगल 4, एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है। यस क्योंकि ये इसके वर्टिकली अपोजिट में आ जाता है ये और ये। उसके बाद आखिरी व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5, जो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल ये जो 5 है एंगल 5 इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो सकता है। अगर हम देखेंगे इतना और इसका इतना अपोजिट में आएगा यानी कि एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल आ सकता है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फिर हमारे द्वारा